Zombie Apocalypse. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के व्लॉग में मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी लेजेंडरी बाइक जो इंडिया में करीब 11 साल तक बिकती रही। यामा कंपनी की ये बाइक, और यामा कंपनी के बारे में हर कोई जानता है। आज भी बहुत सी बाइक्स आती है यामा की, काफ़ी अच्छी सेल्स है इंडिया के अंदर यामा की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यामा की RX 100 के बारे में। तो बिगर देर करें शुरू करते हैं आज का एक रिव्यू, तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं ये व्लॉग इस लेजेंडरी बाइक के वॉक अराउंड के साथ। मैं साथ में ही आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बताते चलूँगा। तो मेरे साथ जो है आज ये बाइक, ये है 1994 का मॉडल यामा RX 100। आप देख सकते हैं 1994 में फुल मेटल मडगार्ड आते थे फ्रंट में, और क्रोम का वर्क ज़्यादा होता था उस वक्त की बाइक्स के अंदर। गोल हैलोजन हेडलैम्प हुआ करता था, आजकल तो LED हेडलैम्प्स आ गए हैं, ये उस वक्त के हेडलैम्प्स हैं। इंडिकेटर्स हेडलैम्प के साथ ही इंटीग्रेटेड ही हैं एक तरीके से। ये एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट लगवाई है ओनर ने, क्योंकि उस वक्त की लाइट्स इतनी अच्छी तो होती नहीं थी। देन इसी के ऊपर इसका कंसोल है, सामने से अगर आप देखोगे तो ये दिखेगा स्पीडोमीटर, उसी के अंदर इसका ओडोमीटर है। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये आपका न्यूट्रल लाइट का है और ये हाई बीम लाइट का है। लेफ़्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम एडजस्ट करने के लिए, इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए स्विच मिल जाता है। लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं होता एक्सेलेटर थ्रॉटल के अलावा, ये अलग सा ऑक्सिलरी स्विच है ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए। देन फ्यूल टैंक के नीचे आता है इस बाइक का इंजन। तो इस बाइक के अंदर आता था 98cc का 2-स्ट्रोक पेट्रोल कार्बोरेटेड सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, जो 11 HP की पावर प्रोड्यूस करा करता था, और उसकी मदद से ये गाड़ी 110 किलोमीटर की टॉप स्पीड को अचीव कर पाती थी विद द हेल्प ऑफ अ 4-स्पीड गियरबॉक्स। यामा की राजदूत इससे पहले काफ़ी सक्सेसफुल बाइक रही है, और यामा की राजदूत के बंद होने के बाद मार्केट में सुजुकी की AS 100 ने मार्केट को ग्रैब करना शुरू कर दिया। तो ज़रूरी हो गया था कि यामा कोई नई बाइक को लॉन्च करे, तब यामा ने RX 100 को मार्केट में लॉन्च करा और बहुत ही जल्दी इसने मार्केट में अपनी जगह बना ली। उस टाइम 1985 से लेके 1996 तक ये गाड़ी इंडियन मार्केट में बिकती रही और काफ़ी सक्सेसफुल रही। काफ़ी सारी मूवीज़ में इस्तेमाल हुई RX 100, आप देख सकते हो पुराने कई सारे सॉन्ग्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर इस बाइक का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया के अंदर ये बाइक बनाती तो यामा थी, लेकिन इसका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्कॉर्ट कंपनी के हाथ में था। तो ये थी ओवरऑल यामा RX 100। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस लेजेंडरी बाइक के लिए यार अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, स्टे होम तो बोलूँगा नहीं, स्टे सेफ जरूर बोलूँगा, कोरोना से बचना है, कोरोना को हराना है।